सो गाइस, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने जंपर खोलना सिखाया है। तो आज मैं आपके लिए फिर से पार्ट टू लेके आ गया हूँ। तो क्या करना है, आपको वीडियो फुल वॉच करना है और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। और तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो कैसे तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर ये अपना ये जंपर आ चुका है। ये मैंने एक और स्प्लेंडर गाड़ी थी जिसमें से निकाला है, तो उसमें से पूरा निकाल दिया है। तो ये अपना जंपर है, तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ। इस प्रकार से कुछ तरह से आप देख रहे हो। तो यहाँ पर पड़ा था तो उसका जंपर अच्छा ही था, तो उसी का इसमें बिठाना है, तो उसका मैंने निकाल दिया है। और अभी इस गाड़ी में सेट करना है ये। उसके बाद क्या करना, आपको ये जो जंपर बैठता है वहाँ पर ओल्डिंग कर लेना है, ताकि जंपर आराम से बैठ पाए। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो, कुछ उस प्रकार से ओल्डिंग करना है। ओइलिंग करने के बाद आपको बिठा देना है इस तरह से। बिठाने के बाद ऊपर एक 19 नंबर का नट लगा देना है, ताकि वापस जंपर नीचे ना जाए। तो यहाँ पर मैं 19 नंबर का नट लगा देता हूँ। इधर का भी लगा ही देते हैं। उसके बाद अपने को नंबर प्लेट ले लेना है, और नंबर प्लेट भी फिट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने फिट कर रहा हूँ उस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना, ऊपर का जो नट है उसको जंपर वाला फिट कर लेना, जिस तरह से मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ बॉक्स पाने की सहायता से। तो आपको भी फिट कर लेना है, फुल टाइट कर लेना है एकदम। उसके बाद नीचे जो नंबर प्लेट वाला नट है उसको भी टाइट करना है, तो यहाँ पर भी मैं टाइट कर लेता हूँ बॉक्स पाना लगा के। बॉक्स पैनल की सहायता से जल्दी फिट हो जाता है, तो उसी से मैं फिट करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हील को बिठा देना है। बस अपना जंपर फिटिंग हो गया है, उसको बिठा लेना है एक्सल बिठा के। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।